अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ भिंडी, वो भी मेरे स्टाइल से। तो ये बहुत ही आसान से और कम मसालों से बनने वाली और बहुत मज़ेदार बनने वाली भिंडी है। तो उसके लिए हमने भिंडी ली है, ये तकरीबन आधा किलो ली थी। तो इसको काट कूट के हमारे पास एक पाव बची है और इसको हमने एक एक इंच के टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बड़ी प्याज ली है, उसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया, रफली चॉप करना है। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये टमाटो प्यूरी ली है। ये दो टमाटरों का हमने पेस्ट बना लिया है, ब्लेंडर में पीस लिया है, पानी नहीं डाला है, सिर्फ ऐसे ही पीस लिया है। उसके अलावा इसमें यहाँ खुश्क मसाले मिर्च, इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून और नमक जाएगा 1/2 टीस्पून और गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें यहाँ पर कुछ हमने ये लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया है बारीक बारीक, आपको दिख रहा है। 1/2 टुकड़ा ले लिया था, इतना इतना सा बस, उसको हमने चॉप किया। और हमने 4 जवे जो है लहसुन के लिए और 2 यहाँ हमने हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। उसके अलावा यहाँ हम 3 टेबल स्पून भर भर के इसमें हम दही डालेंगे और 1/2 लेमन जाएगा। तो चलिए हम आपको उसको बनाना सिखाते हैं। तो पैन में हमने 4 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल देंगे। ये देखिए प्याज हमने डाल दी है और इसको हल्के से सौते करेंगे जब तक कि हमारी प्याज सॉफ्ट होती है, जब तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ी सी हमें सॉफ्ट करनी है प्याज, कलर नहीं चेंज करना, हमें सिर्फ सॉफ्ट करनी है। हल्की सी सॉफ्ट होगी तो फिर हम इसमें अपनी जो हमने भिंडी काट के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमारी प्याज जो है तकरीबन लगभग सी सॉफ्ट हो चुकी है, थोड़ी सी बस हमें इसी तरह चाहिए। और अब हम इसमें जो हमारी भिंडियाँ काटी थी हमने वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए भिंडियाँ हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम भिंडियों को और इसको तेज़ आंच पे हमें भूनना है, प्याज को और भिंडियों को हमें तेज़ आंच पे भूनना है, ज़्यादा अच्छे से इसका बस हमें फ्राई करनी है प्याज को और भिंडियों को अच्छी तरीके से। अच्छा सा कलर आने पर फिर हम इसको निकाल लेंगे पैन से। तो देखें व्यूअर्स, हमारी जैसे कि आपको दिख रही होगी भिंडियाँ और प्याज जो हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, भिंडियाँ भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखें व्यूअर्स, हमने भिंडियाँ निकाल ली हैं। अब हम इसमें हमने 2 टेबल स्पून दोबारा से ऑयल डाला है और हम इसमें 1/2 टीस्पून हमारे पास जीरा है और 1/2 टीस्पून ही इसमें अजवाइन हम थोड़ा सा भगार के लिए डालते हैं। जैसे ही हमारे ये कड़कड़ाने लगता है तो इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च और अदरक हमने जो आपको बताई थी वो हम डाल देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा ये जो है लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें सिर्फ जो हमने लाल मिर्च बताई थी सिर्फ अभी हम वो डालेंगे इसमें और थोड़ा सा हिलाएंगे और फौरन ही जो टमाटो प्यूरी बताई थी वो हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने आपको और मसाले बताए थे वो भी हम ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा थोड़ा सा मसाला भुन जाए। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं करेंगे जब आप बनाएंगे अपने घर में तो आपको खुद अंदाजा होगा कि वाकई कितने मजेदार बन रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये जैसे ही हमारी थोड़ा सा हमने बस मसाला पानी डाला है, इसको हल्का सा हम मिक्स करके अब हम इसमें 3 टेबल स्पून हमने जो आपको दही बताई थी वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको भून लेंगे, दही को हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें स्टेज पे हम अपनी जो भिंडियाँ और प्याज हमने तल के डाली थी रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से हम चला लेंगे, हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मसालेदार भिंडी।
और इसी स्टेज पे हम इधर इसमें हमने जो आपको लेमन दिखाया था हाफ लेमन वो भी हम डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करके हम इसको दम पे रखते हैं, फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखें व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, शानदार सी भिंडियां तैयार हैं, मसालेदार भिंडी जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ आपको कैसी लगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।